हम लोग आत्महत्या करेंगे और क्या करेंगे, हमारे पास कोई पावर तो है नहीं, ना रुपया है कि हम रुपया से काम करें। हमारा वही एक कमाने का, वही एक कमाने वाला था हमारा, ये अलग रह रहे थे। डेढ़ महीने बीत जाने के बाद भी हत्या की गुत्थी नहीं सुलझा पाई छपिया पुलिस। घर वालों का आरोप इस मर्डर केस को छुपाने के लिए पुलिस ने ली है मोटी रकम। घर वालों का रो रो कर हुआ बुरा हाल, कहा योगी दरबार में कर लेंगे सुसाइड। हमारा वही एक कमाने का, वही एक कमाने वाला था हमारा, ये अलग रह रहे थे। खमाने खिलाने वाला था, सभी लोगों ने मिलकर हत्या कर दी है। अब हम कहा जाए, क्या खाएं, आत्महत्या करें, क्या करें। अब नहीं सुनवाई होगा तो योगी जी के वहाँ जा कर के हम लोग हत्या करेंगे, हम दोनों प्राणी बूढ़ी बूढ़ा हत्या करेंगे वहाँ जाके अपना। मामले में एक्शन होना चाहिए, वैसे सरकार कोई एक्शन नहीं हो रहा है, कोई एक्शन नहीं हो रहा है। सभी मिले हुए पुलिस डॉक्टर सभी मिले हुए हैं, सब पैसा खाए हैं, हम लोग दौड़ते दौड़ते परेशान हैं। क्या व्यवसाय है घर में आपका? व्यवसाय यही छोटा मोटा है, दूसरे से सामान लेके आओ और कहीं देहात में ले जाकर बेचो, यही जो 100-200-500 मिलता है वही से खर्चा चलता था, वही करता था, वही करने वाला था। तो बड़ी बेरहमी से हत्या की गई, बड़ी बेरहमी से हत्या की गई। वो सड़क पे लोड लोड के तड़प तड़प के मरा है, उसको राड से मारा गया, सरिया से मारा गया, लातों घूसों से मारा गया, और कोई पूछने वाला पानी देने वाला तक नहीं। 3 घंटे तक वो तड़प तड़प के मरा है। करीब ये घटना जो है 3 बजे से शुरू हुई है, वो करीबन हमको खबर मिली है 6-6:30 बजे। ये दिन की घटना है, दिन की घटना है ये। अब आज 1.5 महीना हो गया, कोई पूछने वाला नहीं, कोई पूछने वाला नहीं है। 1.5 महीने का दिन गुजर गया, हम लोग दौड़ते दौड़ते परेशान हो गए। यहाँ से गोंडा, मनकापुर और छपिया थाना, कोई सुनवाई नहीं हो रही हमारी। आप चाहते क्या इस मामले में, इसकी दोबारा छानबीन हो कायदे से? हम चाहते हैं कि इसकी बारीकी से जांच हो, कैसे क्या हुआ, और अगर नहीं जांच होगी, बारीकी से कार्रवाई नहीं होगी, तो हम लोग या तो जहर खा लेंगे या तो योगी के वहां जा करके जो है आत्महत्या करेंगे दोनों प्राणी। इस मामले में मृतक के बड़े भाई सोनू सोनी का आरोप है कि मेरा भाई वन बिहारी अपनी निजी कार से मस्करवा गया था, जहां उसकी मोटरसाइकिल पंचर हो गई। जब वो पंचर बनवाने तहला भोज की दुकान पर गया, तब वहाँ अजय कुमार पुत्र राजेंद्र कुमार गुप्ता निवासी मस्करवा बाजार से किसी बात को लेकर कहा सुनी हो गई। बाद में अजय और मोहल्ले के कुछ लोगों ने मिलकर मेरे भाई के साथ लोहे की पाइप एवं लाठी डंडे से उसे मारपीट की, जिससे उसको गंभीर चोटें आई और वो अचेत होकर गिर पड़ा। पुलिस वालों के द्वारा उसे एम्बुलेंस में डालकर CSC छपिया पहुंचाया गया। अस्पताल के कुछ कर्मचारियों ने हमारे गांव के प्रधान बनारसीलाल अग्रहरि जी को फोन करके अवगत कराया कि आपके ग्राम सभा के वन बिहारी उर्फ मोनी सोनी छपिया थाने के अंतर्गत छपिया अस्पताल में भर्ती है। जब मैं प्रधान जी के कहने पर छपिया अस्पताल पहुंचा तो पता चला की मृत्यु ज्यादा गंभीर चोटों की वजह से हो चुकी है। पता करने पर जानकारी हुई कि अजय पुत्र राजेंद्र गुप्ता के अलावा मुख्य 4 लोग और कुछ अज्ञात लोगों ने मिलकर उससे मारपीट की, जिन लोगों का नाम स्क्रीन पर है। रामनाथ मोदनवाल उर्फ पप्पू पुत्र समय प्रसाद मोदनवाल निवासी मस्करवा बाजार, विजय गुप्ता पुत्र शिव कुमार गुप्ता निवासी मस्करवा बाजार, और तीसरा नंदलाल गुप्ता पुत्र जगन्नाथ गुप्ता निवासी मस्करवा बाजार, और चौथे हैं कन्हैया चौबे पुत्र किशुनदेव चौबे निवासी मऊरही। पीड़ित परिवार के घर पे इस वक्त हम मौजूद हैं और पूरी फैमिली आप देख सकते हैं कि हमारे पीछे खड़ी हुई है। आपको मैं दिखाना भी चाहूँगा कि ये बेचारे छोटा मोटा कारोबार अपना जात के मुताबिक करते हैं और इन्हीं के साथ इतनी बड़ी कैजुअल्टी हो गई है। अब परेशानियाँ इनके ऊपर इस तरह से आ गई हैं कि इनका कोई सुनने वाला नहीं है। जब तक इन लोग को सज़ा नहीं मिल जाएगा तब तक हम लोग चैन से सोएंगे नहीं। यानी आप दौड़ रहे हैं? जी दौड़ रहे हैं। योगी दरबार में भी सुना कि आप लोग जाने वाले हैं? जी योगी, हाँ वहाँ भी जाने वाले हैं और जाएंगे जी।
इस घटना की जानकारी और कुछ प्रेस वालों को भी हुई थी या नहीं हुई थी? पत्रकारों को भी नहीं पता चला था? अभी पत्रकारों को कुछ नहीं पता चला। हाँ, छोटा लड़का था जी, वो घर से 11 बजे निकला था जी। उसके बाद में मस्किनवा गया था, वहाँ पंचर हो गई गाड़ी, वही बनवाने लगा, उसी में झगड़ा लड़ाई हुआ, मार दिया, 2 घंटा तक तड़फड़ा के मर गया। हम लोग को तो 6 बजे पता चला प्रधान द्वारा, तो यहाँ से सब लोग गए, हमसे तो बताए नहीं रात में, हमको रात में नहीं बताया गया। आप लोगों को जानकारी नहीं थी इसकी? घर वाले सब जानते थे, मुझे नहीं पता था, मुझे सुबह पता चला, मैं रोने होने लगी। उसके बाद ये लोग गए और लाश को लेकर चले गए गोंडा पोस्टमार्टम के लिए। उसके बाद में कार्रवाई कोई हुआ नहीं, दौड़ दौड़ के जाते थे थाने पर FIR लिखाने, वहाँ लिखते नहीं थे, भगा देते थे, कहते बोलते थे कि PM रिपोर्ट आने दो तब कुछ होगा। PM रिपोर्ट आया तब भी नहीं कुछ हुआ, कप्तान के पास गए वो भी नहीं कुछ किए, वो भी बोले कि नशे में था। फिर यहाँ भेज दिया सेव साहब के यहाँ मनकापुर, वहाँ गए हम लोग, तब भी बोले कि क्या नाम है वो नशे में था, वहाँ भी नहीं कुछ किया। बता रहे हैं कि राड से, लोहे से? हाँ, लोहे के राड से मारा था, वहाँ के लोग बता रहे थे। अब वहाँ के लोग को हम लोग तो पहचानते नहीं हैं, वहाँ के लोग को हम लोग पहचानते नहीं हैं, जो बताया वही सुना। ये घटना दिन की है ना? दिन की है जी। हाँ, 3 बजे पता लगा कि 3 बजे उसका दम टूटा है, हम लोग को 6 बजे पता चला है। हम लोग आत्महत्या करेंगे और क्या करेंगे, हमारे पास कोई पावर तो है नहीं, ना रुपया है कि हम रुपया से काम करें, वो लोग रुपया भर दिए हैं। शादी वादी हुई थी उनकी? नहीं। हाँ, शादी हुई थी। कोई बच्चे? बच्चे नहीं थे। तो आपको लग रहा है कि पैसे पुलिस ने खाए हैं? हाँ, पुलिस ने पैसे खाए हैं, और ज़्यादा से ज़्यादा पैसे खाए हैं, बिक गए हैं। फैमिली में कौन कौन है अब आपके? अब मेरे एक बड़ा लड़का है, वही उसके 5 उनकी बीवी हैं, इनके 5 लड़कियां हैं, लड़के नहीं हैं, बेटे नहीं हैं, 5 बेटियां हैं। उन्हीं से सहारा था कि उनको उनके 1-2 बेटे हो जाएंगे, तो पूरा ख़त्म हो गया, पूरा परिवार तबाह हो गया। अगर परिवार की इस हिस्ट्री पर हम नज़र डालें तो परिवार पूरी तरह से अब बिखर चुका है, परिवार के लोग काफ़ी दुखी हैं, और परिवार की रोजी रोजगार की अगर हम बात करें तो जिनकी हत्या हुई है मोनू सोनी, जिनको वन बिहारी बताया जा रहा है, उनकी भाभी एक छोटी सी ब्यूटी पार्लर चला रही हैं, क्योंकि उनके पास 5 लड़कियां हैं, लड़का कोई भी नहीं है, गरीबी का आलम है। मैं दिखाना भी चाहूँगा आप सभी लोगों को कि ये छोटा सा दुकान है और उसी के बगल में ब्यूटी पार्लर का काम ये लोग कर रहे हैं। गुजारा बड़ी मुश्किल से होता है, मैंने देखा है कि घर की जो माली हालत है वो काफ़ी वीक हो चुकी है, दौड़ धूप सकते नहीं, इसीलिए हमें लग रहा है कि पुलिस या प्रशासन के लोग या जहां ये दौड़ रहे हैं कोई एक्शन नहीं लेना चाहता है। ये बड़ा गंभीर विषय है कि 1.5 महीना बीत जाने के बाद भी इन लोगों के यहाँ कोई अधिकारी पूछने तक भी नहीं आया कि आपके हालचाल कैसे हैं। जो हत्या में शामिल हैं, जो आरोपी हैं, वो खुद पुलिस के गवाह बने बैठे हुए हैं। स्क्रीन पर मैं आपको दिखाना चाहूँगा कि इसमें कुछ लोग ऐसे हैं जो अभियुक्त हैं, जिन पर आरोप लगाया गया है, और वही लोग पुलिस के गवाह भी बने हुए हैं। अब इस मामले में कितनी सच्चाई है पूरी जानकारी हम लेंगे कुंज बिहारी से। जितनी बड़ी घटना हुई है इसमें कौन कौन से लोग शामिल हैं, कैसे इतना बड़ा उलटफेर हुआ? इसमें पुलिस वाले भी मिले हैं जी, पुलिस वाले काफ़ी पैसा पा गए, इसीलिए स्विच ऑफ मामला कर दिए हैं, कोई कुछ नहीं। हम लोग इतना दौड़े गोंडा मनकापुर कप्तान साहब के पास छपिया थाने पे दौड़ दौड़ जाते थे। आपका थाना कौन लगता है? खुराड़ी थाना हमारा खुराड़ी है। घटना जहाँ घटी थी वो छपिया? छपिया थाना है जी। तो तहरीर आपने छपिया में दिया था जी।
छपिया पुलिस इस पर एक्शन नहीं लेना चाहती? कुछ नहीं होता है वहाँ पे। कैसे आपको पता चला कि पुलिस ने अपना ईमान बेच दिया है? हमको वहाँ से पता चला बाजार में कि पुलिस वाले पैसा खा लिए हैं, तुम्हारा काम कुछ नहीं होगा। पुलिस की एक रिपोर्ट में बताया जा रहा है कि आपका भाई नशे की हालत में था और वो रोड पर तड़प रहा था नशे की हालत में, इसलिए उसकी मृत्यु हुई ना, ये गलत बात है जी। जी, उनको छानबीन करना चाहिए बारीकी से। जी जी, कितने लोग उसमें शामिल थे मारपीट में? मारपीट की घटना के बारे में जानकारी आपको कैसे मिली कि वहाँ राड से मारा गया? इसमें लोहे के राड से लात भूसा यही सब चलाए, इसी वजह से लोहे के सरिया से मारे, इसीलिए उनका मृत्यु हो गया। कितने लोगों का नाम शामिल है इसमें? 5 लोगों का नाम शामिल है जी। और जो मारे वो पुलिस वाले के गवाह भी बन गए हैं, मुजरिम हैं फिर भी गवाह भी बन गए हैं, और पुलिस वाले दफा दफा कर दिए हैं, यही बात है। तो इस मामले में अब आप क्या चाहते हैं कि एक्शन किस तरह से हो? हम यही चाहते हैं कि इसका बारीकी से जांच हो, सीसी कैमरा की जांच हो, कैसे क्या है, उनको सजा मिले, बस यही चाहते हैं। मीडिया में खबर प्रकाशित हुई थी, अभी तक ये नहीं हुई थी, 1.5 महीना बीत गया है, कुछ भी नहीं हुआ जी। जी, 1.5 महीने का वक्त बीत गया लेकिन कहीं से भी किसी पत्रकार ने इस मामले को नहीं उठाया। अब जब हम लोगों को जानकारी मिली, फोन गया हम लोगों के पास स्पेशली कि भैया हम पूरी तरह से परेशान हो चुके हैं, कोई हमारी बात नहीं सुन रहा है, तो इंडिया टाइम्स की जो टीम है वो यहाँ पहुँची, इनके परिवार से हम मिले हैं, उनके दुख दर्द को मैंने महसूस किया है, और इनके घर वालों का यही आरोप है कि जिन लोगों ने इनके भाई को मारा था, बेरहमी से पीटा था, इनका भाई रोड पर तड़फ रहा था, उसको पानी तक नहीं दिया गया था, उन लोगों पर पुलिस कड़ा एक्शन ले। अगर पुलिस कड़ा एक्शन यहाँ नहीं लेती है तो ये योगी आदित्यनाथ जो हमेशा कहते रहते हैं कि हम भ्रष्टाचारियों या अपराधियों को बख्शेंगे नहीं, उनकी दरबार में जाएंगे, और इनके पिता ये कह रहे हैं कि हम जाके योगी दरबार में आत्महत्या कर लेंगे। अगर इस तरह की कोई कैजुअल्टी होती है तो यहाँ पूरे का पूरा प्रशासन जिम्मेदार होगा। कोई कैजुअल्टी अगर हो जा रही है कि छोटा सा परिवार अगर योगी दरबार में जाके कोई आत्महत्या करता है, सुसाइड करता है, तो पूरी जिम्मेदारी जिला प्रशासन की होगी, स्थानीय छपिया पुलिस की होगी, बहुत सारा मामला इसमें बढ़ सकता है। इसलिए अभी समय है कि आप लोग इस पर माइनर ऑब्जर्व करें, जिससे कि इस घटना की पूरी जानकारी मिल सके, और इसमें कौन कौन से लोग शामिल थे, किन लोगों ने किस मकसद से हत्या किया, ये पूरी डिटेल्स रिपोर्ट जब आएगी तभी इन लोगों को इंसाफ मिल जाएगा। इंडिया टाइम्स समाचार एजेंसी के लिए मैं QT सिद्दीकी।